अभी अभी दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। पहली एसएससी ने कर दी है, जिसमें उन्होंने दो बड़ी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। साथ में यूपीएससी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, आने होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये ऑफिशियल घोषणा अभी अभी की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जाम पेपर 1 2020, जो कि 1/7 से 20/7 तक होना था, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, दूसरा, वहीं पर सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन पेपर 2 2020, जो कि 12/7/2021 को होना था, इसे भी पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इनकी जो फ्रेश डेट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही अनाउंस की जाएगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। बताया गया है कि इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा, जो मेंस के बारे में बताया गया है, साथ में देखेंगे सिविल सर्विस मेंस के बारे में बताया गया है, तारीखें दी गई हैं, और उसके बाद CDS की परीक्षा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की है, SO की है, रिजर्व UPSC RT एग्जामिनेशन की परीक्षा के बारे में बताया गया है। साथ में यहाँ पर नोट भी दिया गया है, और सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2021 के जो कंडक्ट होनी थी वो अब 7/8/15/16/2022 के बारे में बताया गया है। वहीं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर जो कॉमर्स में था 27/2/2022 को यहाँ पर रखा जाएगा, और 8/2022 तक यहाँ पर बताया गया है।